मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देश पर जिला युवा कांग्रेस सिवनी के नेतृत्व में आज जिला युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव में किए गए वादों को याद दिलाने हेतु तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल एवं गेहूं का मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन की फसल का समर्थन मूल्य 6000 रुपए प्रति क्विंटल के वादे किए थे। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक घर के एक युवा को नौकरी, ऐसे अनेकों वादों को याद दिलाने एवं सिवनी जिले में अतिवृष्टि से जिले में कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, साथ ही जिले के प्रमुख फसल मक्का व अन्य फसल में हुए भयंकर नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर आज जिला युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।